ये गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे रेडियो चैनल में। और दोस्तों, आज हम जो है रिमूव करेंगे ऑब्जेक्ट को, यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे किसी भी वीडियो फुटेज से, वो भी एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर में मोका प्रो की मदद से। सो गाइस, आपके पास दो सॉफ्टवेयर जो है इसमें होना ज़रूरी है। पहला तो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट, और इसके अंदर जो है आपको मोका प्रो जो इसका सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो आज हम मोका प्रो की मदद से जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट में ऑब्जेक्ट रिमूव का ट्यूटोरियल देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ये है हमारा एक वीडियो फुटेज, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है कार जो है जा रहा है रोड पे, और हमें जो है इस कार को जो है रिमूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो है मैं अपनी फुटेज को यहाँ से ड्रैग करके अपने कॉम्पोजिशन वाले ऑप्शन में यहाँ आ जाऊँगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कॉम्पोजिशन तैयार हो गया है और हमारा वीडियो फुटेज जो है यहाँ आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉम का जो साइज है उसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं तो यहाँ तक मैं रखता हूँ और अपने कीबोर्ड पर एन प्रेस करता हूँ, और यहाँ से जो है हमारे इस वाले लेयर को हम कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके स्प्लिट कर देंगे और इसको जो है डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से जो है हमारे माउस पे राइट क्लिक करेंगे और ट्रिम टू कंप एरिया में क्लिक करेंगे, तो हमारा जो कॉम्पोजिशन का जो टाइमिंग है वो सेट हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीडियो फुटेज, ट्रिम हमने कर लिया है, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है। अब इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम अपने इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट में सर्च करेंगे मोका। मोका याद रखिए कि मोका प्रो जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहना चाहिए। तो ये बेसिक जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर में हम मोका प्रो के मदद से किस तरह से ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो ये एक रिमूवेबल ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है एक मूव होता हुआ ऑब्जेक्ट है। तो इसके बारे में भी कई भाइयों ने मुझसे कहा था कि किस तरह से हम जो है अपना मतलब ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट मूव होता है उसको किस तरह से हम रिमूव करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इफेक्ट एंड प्रीसेट में सर्च करेंगे मोका, और यहाँ आप देख सकते हैं मोका प्रो मेरे में इंस्टॉल है। तो इसको जो है यहाँ से ड्रैग करके मैं अपने कॉम्पोजिशन में लेके यहाँ छोड़ दूँगा। उसके बाद में यहाँ इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल में ये जो है मोका प्रो का ये वाला आ जाएगा। इसके बाद में हम इसका जो ये है इसको फुल रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे मोका में, तो यहाँ जो है हमारा मोका प्रो वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम जो है इसको थोड़ा ओल्ड क्लासिक में ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो फुटेज है मोका के अंदर में आ गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप अगर मोका को पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मोका का जो बेसिक ट्यूटोरियल है वो वगैरह भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एडोबी आफ्टर इफेक्ट में बहुत सारे ऑप्शन सब नज़र आते हैं, उस तरह से इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आपका यहाँ पर नज़र आएगी, बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो आपको जो बेसिक नॉलेज है वो कोई मोका प्रो का ट्यूटोरियल आप देख के कर लीजिए, मगर इसमें जो चीज़ यूज होगा वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो छोटा सा बेसिक चीज़ आपको बताने जाऊँ कि आप अगर अपने कीबोर्ड पे एक्स प्रेस करेंगे तो ये हैंड टूल आएगा, ये शॉर्टकट है, ठीक है। हैंड टूल के मदद से आप यहाँ से अपने वीडियो फुटेज को इस तरह से मूव कर सकते हैं। और जो जेड है, जेड प्रेस करेंगे और अपने जो माउस है उसका लेफ्ट क्लिक करके अगर अपने माउस को जो है आगे पीछे करेंगे तो इस तरह से जूम इन जूम आउट आएगा। तो ये दो चीज़ जो है बेसिक इस प्रोजेक्ट में काम आने वाला है, मतलब इस काम में वर्क करने वाला है। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए हमारा जो वीडियो का टाइमलाइन है इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, ताकि हम कोई एक ऐसा पोजिशन सिलेक्ट करें जहाँ पर हमें कार फुल कार का सीन हमको मिल जाए। तो यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ से जो है हम पेन टूल ले लेंगे, और पेन टूल लेने के बाद में यहाँ से जो है कार के साइड में हमको इसको मास्क करना है। तो इस तरह से चलिए मैं मास्क करते जाता हूँ। सो गाइस, इस तरह से जो है मैंने एक रफ मास्क कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर एस वाला जो एक आइकॉन आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जो है इसको हमको
कार पे सेट करना है, ठीक है। तो ये जो है ट्रैक करेगा कार को इस तरह से। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से जो है इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपको नीचे में आपको ट्रैक का दो ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है एक एक फ्रेम को आप ट्रैक कर सकते हैं, और यहाँ प्ले का है, ट्रैक प्ले है, तो ये ऑटोमेटिक जो है प्ले की तरह जो ऑटोमेटिक ये पूरे फ्रेम को ये करेगा। तो क्योंकि हमारा टाइमलाइन सेंटर में है, तो यहाँ से पहले हम बैकवर्ड में इसको ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो यहाँ से जो है ये बैकवर्ड में ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा जो ट्रैकिंग है थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, यानी कि हमारा जो मास्किंग है वो कहीं ना कहीं आउट हो रहा है। तो यहाँ पर आप टाइमलाइन में सेट करके इसको जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाइए, ताकि हमारा जो कार है इस मास्किंग के अंदर में रहे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा जेड प्रेस करके और एक्स प्रेस करके थोड़ा सा सेट कर देते हैं। सो गाइस यहाँ से जो बैकवर्ड में जो है हमने हमारा ट्रैक सही कर दिया। अब यहाँ से फॉरवर्ड में जो है हमको ट्रैक करना है, तो यहाँ से हम जो है ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, और ये हमारा जो ऑटोमेटिक ट्रैक करना चालू हो गया है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो भी हमारा बाकी का जो चीज़ है, जो ट्रैक मैचिंग है, उसको हम करेंगे। तो चलिए एक्स प्रेस करके हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, और जेड प्रेस करके थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रैक है वो थोड़ा सा मिस हो चुका है, तो इसको हम सही कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो है हमारा ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रैकिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद वापस से फिर इस पोजीशन में हम चले जाते हैं, और यहाँ से जो है हमको दूसरा एक ट्रैक पॉइंट करना है। तो सबसे पहले जो हम इस वाले आइकॉन को क्लोज़ कर देते हैं, वहाँ से फिर से हम इस वाले पेन टूल वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमको जो है इसका बैकग्राउंड जो है उसको ट्रैक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम जो है थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ताकि फुल फ्रेम हमको नज़र आए, ठीक है। अब यहाँ से हमको जो है इसका बैकग्राउंड को ट्रैक करना है, तो एक इस तरह से हम मास्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम एक सॉरी सो इस तरह से जो है हमने एक बैकग्राउंड मास्क बना लिया है, ठीक है। और यहाँ से हम फिर से एस वाले इस आइकॉन में क्लिक करेंगे, और इसको ध्यान रखिए कि हमारा जो अंदर का पहले जो हमने ट्रैक किया है, इसका इसके मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इससे बड़ा ही रहना चाहिए। तो ये जो ट्रैकिंग है इस लेयर के अंदर ही रहना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम इस तरह से सेट कर देते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में ग्रिड वाले ऑप्शन को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक काम और करना है, हमारा जो लेयर टू है जो कि हम अभी हमने मास्क किया है, तो इसको हमको जो है नीचे ले आना है, लेयर वन के नीचे ले के आ जाना है। अब इसके बाद में यहाँ पर सिर्फ ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा, ऊपर वाला लेयर वन का, इसको हमको क्लोज जैसे कि हमने कर दिया है। अब यहाँ से जो है हम करेंगे बैकवर्ड में ट्रैक पहले। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हमारा ट्रैक जो है वो इस ट्रैक के बाहर हो चुका है, जो कि इसके अंदर रहना चाहिए, तो ये चीज़ जो है नहीं होना चाहिए। तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम हमारा जो ग्रिड है उसको ऑफ़ कर देते हैं, और ये एस वाला इसको भी ऑफ़ कर देते हैं। अब यहाँ से जो है इसको हम फुल स्क्रीन में ले लेते हैं इस तरह से। ताकि ये जो है फुल ट्रैक हो सके। उसके बाद में फिर से हम एस वाले आइकॉन को प्रेस करके इसको भी जो है इस तरह से सेट कर देंगे हम। सो गाइस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपका जो आप बैकग्राउंड ट्रैक कर रहे हैं, वो आपके जो फ्रंट ग्राउंड है जिसको आप रिमूव कर रहे हैं, उसके अंदर ही सारा चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रैक पॉइंट बन चुका है। अब यहाँ से फिर से हम इसको जो है ट्रैक फॉरवर्ड करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो ट्रैकिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ट्रैकिंग कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो है
वो हमको करना है रिमूव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइमलाइन है उसको सबसे स्टार्टिंग में ले जाते हैं, ठीक है, या फिर सबसे इधर एंड में ले जाते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से हम ऊपर वाला जो लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन में यहाँ पर आपको जो है रिमूव का ऑप्शन आएगा, तो इसको हमको क्लिक कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे जो ट्रैक का जो पॉइंट पहले था वो अब इस तरह से हो गया, तो यहाँ पर इस वाले आइकॉन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा जो है टाइमलाइन हमने सबसे लास्ट में करा है, तो यहाँ पर जो बैकवर्ड में हमको ट्रैक को क्लिक करना है, तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और ये बैकवर्ड में जो है हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको वो रिमूव करता हुआ कंप्लीट करेगा। तो कुछ ही टाइम लगेगा और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिमूव होके तैयार हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर हमारा जो वीडियो फुटेज है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जो रिमूव है वो कुछ इस तरह से आया है, और यहाँ पर थोड़ा सा जो है डार्क साइड हमें नज़र आ रहा है, थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है, वो इसलिए कि क्योंकि जो है मोका प्रो जो है वो रियल टाइम में जो है आपको जो बाकी साइड जैसे कि यहाँ पर जो परछाई रह गया था तो उसको भी जो है वो ये करके जो है किया है, तो थोड़ा सा ये इसमें इस तरह से प्रॉब्लम हुआ है। हालांकि जो कार है वो हमारा रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पर अगर हम अगर चाहेंगे कि परफेक्ट इसमें कुछ अगर परफेक्टली कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक ऑप्शन और है और एक और सेटिंग है जिससे जो है ये पूरी तरह परफेक्टली रिमूव हो जाएगा। तो फिलहाल जो है हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं यहाँ से क्लोज। तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन पूछेगा, तो इसको जो है आपको कर लेना है सेव। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। अब यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर अगर मैं अपने टाइमलाइन को यहाँ पर करूँ तो यहाँ फिलहाल जो है कार नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम जाएंगे मॉड्यूल रेंडर में जाएंगे और यहाँ पर रेंडर को चेक कर लेना है, और यहाँ से इस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ रिमूव का ऑप्शन है, तो इसको हम क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा ये हो के जिस तरह से हमारा मोका प्रो में रिमूव हुआ था उस तरह से यहाँ पर भी जो है रिमूव हो चुका है हमारा फुटेज, ठीक है। अब इस चीज़ को हमको सॉल्व करना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए जो सिंपल ट्रिक है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, डुप्लीकेट लेयर, और जो ऊपर वाला लेयर है इसको हम यहाँ से कर देंगे इस मोका प्रो को डिलीट, क्योंकि इसका जो है काम हमें नहीं है। अब ये है इसमें हम तो इसको हम ऑफ करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला लेयर नीचे वाला लेयर को हमको सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोका प्रो जो है नीचे वाले लेयर में है, ऊपर वाला लेयर का मोका प्रो हमने डिलीट कर दिया है, तो नीचे वाला लेयर को हम क्लिक करेंगे। फिर से वापस हम जाएंगे मोका प्रो के अंदर में, और यहाँ पर जो है हम जो ऊपर वाला ट्रैकिंग लेयर है जो लेयर वन है उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो है हम ट्रैक शेप एंड डेटा में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में एडोबी प्रीमियर प्रो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हमको जाना है मोका सेव सेव डेटा फॉर एई, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है सिलेक्टेड लेयर है, यानी कि हमको सिर्फ इसी लेयर का जो है कॉपी करना है, तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड में हमको क्लिक करना है। तो ये जो मास्क है ये कॉपी हो गया है, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब हमारा जो टाइमलाइन है इसको सबसे स्टार्टिंग में ले जाएंगे, और इसके बाद में ऊपर वाला लेयर को हमको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से जाएंगे हम एडिट में, और सबसे नीचे में आपको मिलेगा एक ऑप्शन पेस्ट मोका मास्क। तो यहाँ पर जो हमने मोका प्रो के अंदर में जो मास्क किया था वो आपको नज़र आ जाएगा, मतलब मास्क यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको अगर क्लिक करूँ और अपनी टाइमलाइन को आगे करूँ तो यहाँ देख सकते हैं मास्क में सिर्फ कार नज़र आ रहा है। अब इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको डबल एम प्रेस करेंगे ऊपर वाले लेयर में कीबोर्ड पे, तो यहाँ पर जो है ऐड का ऑप्शन है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन में ऐड नज़र आ रहा है, तो इसको जो है हमको कर देना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, कार इस तरह से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो है थोड़ा सा मास्क का जो फेदर है इसको इंक्रीज कर देंगे, लगभग 4-5 अपने हिसाब से थोड़ा, तो ये क्या होगा, एज का जो फेदर थोड़ा हो जाएगा, यानी कि जो इसका जो एज है वो थोड़ा शार्प नहीं रहेगा, थोड़ा सा इंक्रीज और कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से फेदर हो गया है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है दोस्तों, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इस आई बटन को ऑफ कर देते हैं इसको,
ठीक है, तो ये इस तरह से आया। अब नीचे वाला जो लेयर है इसको हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी प्रेस करके, और इसका भी जो मोका प्रो है इसको हम कर देंगे डिलीट, इसका भी कुछ काम नहीं है। अब स्टार्टिंग पॉइंट में है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अपने माउस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे टाइम और इसको करेंगे फ्रीज फ्रेम। सो गाइस यहाँ पर अगर हम फ्रीज फ्रेम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो हमारा फुटेज है, वीडियो फुटेज है, वो एक फोटो लेयर की तरह जो है फ्रीज हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। अब हमको क्या करना है, इसको चलिए मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम यहाँ से अगर प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर। सो गाइस इस तरह से जो है आप ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं मोका प्रो के अंदर में, और थोड़ा सा ट्रिक वगैरह यूज़ करके जो है परफेक्टली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये वाला चीज़ जो है, इसको हम डस्ट जो उड़ रहा है इसको हमने रिमूव नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो मास्किंग है वो सिर्फ कार पे था। तो यही था ट्यूटोरियल मोका प्रो के अंदर में किस तरह से ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है। हालांकि ये अगर देखें तो पूरा परफेक्ट रिमूव तो नहीं लग रहा है, मगर ऐसा लग रहा है कि हम जो है एक मतलब जैसा होता है ना इनविजिबल कार जो है हमने क्रिएट किया है, इनविजिबल कार के हिसाब, तो इस तरह का इफेक्ट कुछ नज़र आ रहा है। बहरहाल जो भी ट्यूटोरियल था वो यही था, मैंने कोशिश की कि आपको किस तरह से ऑब्जेक्ट रिमूव करते हैं वो उस बारे में ट्यूटोरियल देने की कोशिश करूं। और इसी तरह का जो है काफ़ी इसी तरह का ट्रिक जो है यूज़ करके मैं अपनी वीडियोज़ में जो है हीरो को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव करता हूँ, ये ट्रिक होता है। थोड़ा बहुत और जो है ज़्यादा चीज़ हो तो फोटोशॉप वगैरह का भी मैं जो है सेटिंग वगैरह करके जो है उसको परफेक्टली करने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस आज का जो वीडियो था वो यही था, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन को रखिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।